आज हम लोग फुल बॉडी चेकअप के बारे में बात करेंगे। फुल बॉडी चेकअप कराना क्यों ज़रूरी है और फुल बॉडी चेकअप में क्या क्या टेस्ट कराया जाता है। दोस्तों, एक कहावत है, इलाज से बेहतर है बचाव, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि फुल बॉडी चेकअप अगर आप करा लेते हैं तो कई गंभीर बीमारी के बारे में आपको पता चल जाता है। इससे आपका जान बच जाता है और आपको कष्ट कम झेलना पड़ता है और आपका जो फाइनेंशियल नुकसान है वो कम होता है। अगर आपका उम्र 40 के ऊपर है या 30 के ऊपर भी है तो एक साल में, अगर नहीं तो 2 साल में आप ज़रूर फुल बॉडी चेकअप कराए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। आप देखेंगे कई बार ऐसे सुनने को मिलता है, 30 साल की उम्र में व्यक्ति हार्ट अटैक होकर मर जाते हैं या वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। अगर आप फुल बॉडी चेकअप करा लेते तो इन सब बीमारी से आप आसानी से बच सकते हैं। फुल बॉडी चेकअप में कई टेस्ट कराया जाता है, खासकर हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण अंग है उसका जांच करा लिया जाता है। जैसे किडनी के लिए क्रिएटिनिन टेस्ट किया जाता है, लंग्स के लिए पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट, लीवर के लिए लंग्स फंक्शन टेस्ट और हार्ट के लिए ईसीजी। इसके अलावा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना है इसके बारे में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ख़राब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों बेहद ही घातक चीज़ है। अगर लंबे समय तक हमारे शरीर में ज़्यादा होती है तो हमारे हार्ट को ब्लॉकेज करने का काम करता है, क्योंकि हमारे शरीर में कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाए तो अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। इससे बचने के लिए अगर आप फुल बॉडी चेकअप कराते हैं तो आपके हार्ट के बारे में और साथ ही दूसरे अंगों के बारे में आप आसानी से पता कर सकते हैं, इलाज ले सकते हैं और अपनी जान को सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए इन सब टेस्ट का महत्व बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, डायबिटीज़ के लिए भी टेस्ट कराया जाता है, जैसे खाली पेट में फास्टिंग और खाने के बाद पीपी। इसके अलावा डायबिटीज़ के लिए और एक महत्वपूर्ण टेस्ट है, जिसे हम लोग HbA1c कहते हैं। इस टेस्ट से आपको पिछले 3 महीना का आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में पता चल जाता है, जो महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप बिना डॉक्टर दिखाए आप कोई भी लैब में जाकर इसको करा सकते हैं। लेकिन आज का दिन में और 3 टेस्ट कराना बेहद अहम है, जैसे कि कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट। खासकर महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर अक्सर देखने को मिलती है, इसीलिए अगर आप कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेते हैं तो इन सब गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा टेस्ट है कोरोनरी सीटी स्कैन। आपका हार्ट ब्लॉकेज होने के पहले अगर आप इन सब टेस्ट कर लेते हैं तो आपके ब्लॉकेज के बारे में पता चल जाता है, आपका कितना परसेंट ब्लॉकेज है। अगर हमारे हार्ट में 80% के ऊपर ब्लॉकेज हो जाता है तो कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन दूसरा जो टेस्ट है ECG या इकोकार्डियोग्राफी, इसमें आपका हार्ट के ब्लॉकेज के बारे में अच्छे से पता नहीं चल पाता। वहीं अगर आप कोरोनरी सीटी स्कैन करते हैं तो आपको एग्जैक्ट हार्ट के ब्लॉकेज के बारे में पता चल जाता है और आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, ताकि आप हार्ट अटैक से बच सके। तीसरा टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्योंकि आज के दिन में लोगों के जीवन में इतना तनाव है, स्ट्रेस है, लोग काफ़ी मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं लेकिन इसको उतना वैल्यू नहीं देते। अगर आपका साइकोलॉजिकल स्टेट यानी मानसिक स्टेट के बारे में पता चल जाता है तो आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इन सब बीमारी से आप आसानी से बच सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाटिस्ट, इन सब प्रोफेशनल जो व्यक्ति है उसके साथ मिले और सलाह करें, और आप काउंसलिंग कराकर पता कर सकते हैं आपका मेंटल स्थिति क्या है। दोस्तों, इन सब टेस्ट का अगर आप कराते हैं यानी फुल बॉडी चेकअप अगर 1-2 साल के अंतर करते हैं तो आप लंबे समय तक आसानी से स्वस्थ और अच्छी जीवन जी सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।